फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। शनिवार को गढ़ रोड स्थित चंद्रशेखर आजाद मार्केट स्थित जन औषधि केंद्र पर तीसरा जन औषधि केंद्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद ठाकुर विजयपाल सिंह तोमर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि केंद्र खुलवाकर गरीबों को सस्ती दवाएं मुहैया कराने का काम किया है। आज के दौर में जन औषधि केंद्रों पर 900 मेडिसिन हैं, 178 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, पूरे देश में 6,141 जन औषधि केंद्र हैं और आने वाले समय में ये लक्ष्य 10,000 केंद्रों तक होने वाला है। इसके अलावा जन औषधि केंद्रों में 2,000 तरह की मेडिसिन एवं 300 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पहुंच जाएंगे। जन औषधि केंद्रों में 371 दवाई ऐसी हैं जिनके रेट 90% कम हैं, 141 मेडिसिन ऐसी हैं जिनके रेट 70-80% हैं, 200 मेडिसिन ऐसी हैं जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर के मुकाबले 95% रेट कम हैं। उन्होंने कहा, जन औषधि केंद्र पर मिलने वाली मेडिसिन बेहद कारगर सिद्ध हो रही हैं, इसलिए 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जन औषधि केंद्र के संचालक डॉक्टर प्रदीप शुक्ला ने कहा, आज के दौर में जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध हैं, अब गरीब लोग भी अपना बेहतर इलाज करा सकते हैं। कुछ लोग जन औषधि केंद्र दवाओं को लेकर अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, ये सब गलत है। हमें लगता है कि आने वाले समय में लोग जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली मेडिसिन को ही खरीदेंगे। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर। गरीब सस्ती दवा कैसे उपलब्ध हो, तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ये खोले गए हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बताया, अभी तक 6,170 या इससे कुछ ऊपर जन औषधि केंद्र खुले हैं और लक्ष्य ये है कि 10,000 जिलों तक ये जन औषधि केंद्र जाएंगे। हर जिले में जन औषधि केंद्र होगा और हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले मीटिंग में तय किया था, निचले स्तर पर भी विशेष रूप से जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं देहाती क्षेत्र में और या जिला हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी जन औषधि केंद्र खुले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी डॉक्टर्स भी जन औषधि केंद्र पर जो दवाई उपलब्ध है उनको लिखे हैं, क्योंकि ब्रांडेड दवाओं में और इन दवाओं में बहुत अंतर है। अभी तक जैसा डॉक्टर साहब ने बताया 900 दवाएं उपलब्ध हैं और 154 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन बहुत जल्दी करीब 2,000 दवाएं इसमें आ जाएंगी। लक्ष्य है कोई दवा चाहे वो कैंसर की है, हार्ट की है, डायबिटिक की है, किसी तरह की है, उस सबको कवर कर लिया जाए, सब दवा यहाँ उपलब्ध होंगी। और सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जिस तरह से पहले एक बॉल पड़ता था, देहाती भाषा में कहते हैं, यहाँ स्टंट बोलते हैं, साढ़े तीन लाख रुपये तक लिए जाते थे, अब वो 25-30 हज़ार में पड़ जाएगा। यहाँ जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध होंगे सब, उनको भी बढ़ाकर 300 तक की संख्या करने का योजना है, ताकि गरीब आदमी किस तरह इसका लाभ उठा। और अब तक करीब 2,000 करोड़ रुपए का लाभ गरीबों को मिल चुका है इन दवाओं के अंदर, ये छूट मिली है। करीब कुछ दवा ऐसी हैं कि जिनमें 80-90% तक छूट है, कुछ ऐसी हैं जिनमें 70-80% छूट है, कुछ दवा ऐसी है जिनमें 50% छूट है। 50% से कम छूट किसी भी दवा में नहीं है। अभी यहाँ देखो, डॉक्टर साहब के यहाँ से कभी लेते हैं जो दवा बराबर के उसमें 80 रुपए की होगी, इनके यहाँ में 10 रुपए, तो ये अंतर है। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv।